हुए हैं, चुनाव के परिणाम आए हैं, उसका सारांश आप देखेंगे तो एक बड़ा सिंपल क्लियर स्पष्ट संदेश लोगों ने इस चुनाव के माध्यम से दिया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले 303 सीटों पर लोकसभा और क्लेम उन्होंने किया सदन के अंदर 370 और गठबंधन के लिए 400, भाजपा के लगभग 65-70 सांसद कम हुए हैं और 400 की बात करने वाली है 200 कुछ पे आके मामला तक है। तो ये जो मैंडेट है ये मुझे लगता है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ है और जिस प्रकार के राजनीति का परिचय पिछले 10 साल में दिया है देश में भाजपा की सरकार ने, प्रतिशोध की भावना का, बदले की भावना का, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का, कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते सीज करने का चलते चुनाव में, ये जो राजनीति हुई 10 साल की, इस राजनीति के खिलाफ ये मैंडेट है और ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के लोगों का, हम सब हमने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है तो कार्यक्रम जनता में गए उसको लोगों ने सराहा है, इसलिए भरपूर समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला है, हमारा संख्या लगभग दुगना हो गया पिछली बार से और इंडिया अलायंस के तमाम साथियों को भी बहुत अच्छा बहुमत मिला है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो बंगाल है, चाहे महाराष्ट्र है, इसलिए ये कहीं ना कहीं अब आंकड़ा क्या है, समीकरण क्या है, गठबंधन की अलग बात है, लेकिन जो मैसेज और संदेश इस चुनाव का है वो भाजपा के विरुद्ध है और एनडीए के विरुद्ध है। राजस्थान में प्रदर्शन बेहतर हुआ है, आंकड़ा किस तरह चलने वाली है, क्योंकि एडीपी और नीतीश कुमार का रोल जो है आज जो मुद्दा सामने आया है, कल जनता दल यूनाइटेड ने मामले को उठाया है कि अभी भी जो स्कीम है उसको पुनर्विचार करना चाहिए और मैं तो समझता हूँ कोई दल, कोई नेता, कोई पार्टी अगर अग्निवीर का विरोध करती है तो देश हित में करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक स्पष्ट कमिटमेंट किया था अगर हम सरकार में आते हैं तो हम अग्निवीर को रद्द करेंगे, पुरानी भर्ती को चालू करेंगे, देश में जो लोग फौज में भर्ती होना चाहते हैं उनको वंचित रखा जाए ये गलत, और बिना चर्चा के, बिना संवाद किए, बिना विचार विमर्श करिए, बिना एक्सपर्ट्स की राय लिए आपने स्कीम को थोप दिया और सारी पुरानी भर्ती बंद कर दी, वो मैं समझता हूँ गलत है। तो ये जो आज मुद्दा उठाया है जनता दल यूनाइटेड ने, ये मैं समझता हूँ एक सही मुद्दा है और इसका मुझे लगता है कि एक सकारात्मक परिणाम आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड बड़ा क्लियर है, हम अग्निवीर के खिलाफ थे और आज के खिलाफ मुझे लगता है इसको तुरंत प्रभाव से बंद कर कर पुरानी भर्ती चालू करनी चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफे की बात की है, कई सीटों पर हम चुनाव नहीं जीत पाए और वहाँ पर और हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ ऐसी सीट हैं जहाँ पर हम लोग कठिन सीटें थी वहाँ पर भी हम लोग जीते थे, जैसे बाड़मेर की सीट है, बॉर्डर की सीट है और हमारे ये जो गंगानगर की सीट है और ऐसे अधिकांश सीटों पर जहाँ पर हम पहले नहीं जीते थे पर हम जीत कर आए, जहाँ हम नहीं जीते थे वहाँ पर हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है और हम लोग एक सीट जीते हैं गुजरात के अंदर बनासकांठा, वो भी एक शुरुआत है, पहले वहाँ हमने जीत पाए थे, लेकिन जहाँ जहाँ हम सीट नहीं जीते हैं वहाँ पर हम और मेहनत करेंगे और बाहर का अंतर भी कम हुआ है, लेकिन अभी आने वाले समय में हम संगठन को और मजबूत करेंगे और आगे इसका आने वाले समय में संगठन को लाभ मिलेगा और जो अभी बहुत जल्दबाजी है कुछ कहना, लेकिन केंद्र में क्या संगठन बन रहे हैं अभी हमें वेट एंड वॉच करके देखना चाहिए। आपका यंगेस्ट एमपी का रिकॉर्ड टूटा, संजना जाटव एमपी बनी, आपका जी हमारी बहन को टिकट मिल कर दिया था, बहुत कम वोट से आ गई थी, इस बार लोकसभा का चुनाव हो गई जयपुर से और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा और जैसे जनता ने उसका समर्थन किया है तो सत्ताधारी दल का धन बल और संसाधन सब भरे रह गए और एक गरीब घर की नौजवान लड़की को, महिला को पार्टी ने टिकट दिया और जनता ने जिताया और जैसा आपने कहा वो 26 साल की है और ये मुझे लगता है कि 26 साल की खास उम्र है। हाँ अच्छा, मैं भी 26 साल में एमपी बन गया था और मुझे किसी ने कहा कि भाई ये आपसी साल उम्र में कम है, तो मैंने कहा जो रिकॉर्ड है वो बनते टूटने के लिए, मुझे बड़ी खुशी है इस प्रकार के रिकॉर्ड टूटे और एक दलित परिवार की एक सज्जन महिला को लोगों ने जिताकर सम्मान जीते। आपकी गारंटी और जमानत दोनों पूरी हुई? मैंने कहा भाई मुझे खुशी है हरीश मीणा जी को जनता ने जिता के भेजा है, अच्छे बहुमत से जिताया है, मैं जनता का साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और मेरे जो कि मैं यहाँ से विधायक हूँ, मेरे आग्रह पर, मेरे वोट की अपील पर लोगों ने मुहर लगाई है और अच्छे बहुमत से जिता कर वैभव गहलोत चुनाव नहीं जीत पाए, सीट बदल गई, कई जगह हम नहीं जीते हैं लेकिन और मैंने जीत पाए, वोट नहीं जीत पाए थे इस बार भी जीत हासिल नहीं कर पाए, लेकिन और मेहनत करेंगे और भी सही। क्या हाल है?
बहुत खेद है और दुर्भाग्यवश हर बार ही ऐसा ही होता है, 20 साल से हम सरकार बनाते हैं फिर हम हार जाते हैं। तो इस बार भी हम चुनाव में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर हम लोगों ने बहुत गहन चिंतन किया और जो प्रत्याशियों का चयन था और किन मुद्दों को लेकर हम जाएंगे, कौन कहाँ कितना कैंपेन करेगा, शुरुआत से हम लोगों ने अपना बहुत ध्यान फोकस किया था। मुझे खुशी है कि ना सिर्फ आज हम हैं लेकिन भरतपुर, धौलपुर, दरौली, दौसा, विशाखापट्टनम में, बाड़मेर में, गंगानगर में, यहाँ हमको बहुमत और समर्थन मिला और हमारे जो साथी दल हैं उनको भी लोगों ने पसंद किया। तो इस पूरे क्षेत्र में यहाँ के लोगों ने बहुत सहयोग किया और हर समाज में 36 कौम के लोगों ने लोगों को समर्थन किया और मैं हमेशा से ही नौजवानों को प्रोत्साहित करने की पहली करता आया हूँ और देश में जहाँ जहाँ भी कांग्रेस पार्टी ने लोगों ने नौजवानों को प्रयोग में लेकर आए हैं उसका जनता ने स्वागत ही किया है।